अच्छा, अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस पॉइंटर कैसे यूज़ होते हैं। जावा में आपने जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे उसमें ये यूज़ हम नहीं कर रहे होते। सिंपल प्रोग्राम से समझा रही हूँ, इंतहाई सिंपल इजी तरीन टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को इससे मसला होता है कि पॉइंटर्स वो सेमेस्टर पास करके भी चले आते हैं, जब आते हैं मेरे पास थर्ड सेमेस्टर में तो उनको पॉइंटर्स का पता ही नहीं होता, थर्ड या फोर्थ में जब भी। पॉइंटर्स इंतहाई, आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड से भले बैठ जाएं, बिल्कुल ईजी स्टेप से इसको समझें, बहुत आसान है पॉइंटर्स। मैं बिल्कुल बेसिक पॉइंटर्स से बता रही हूँ कि पॉइंटर्स क्या है। सिंपल अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो पॉइंटर है क्या, पॉइंटर एक वेरिएबल है। जैसे इंटीजर ए लिखूँ तो इंटीजर ए एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल की टाइप है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू। मैं अगर इंटीजर ए लिखती हूँ तो इंटीजर ए अपने पास कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, तो अगर मैं कोई पॉइंटर बना लूँ तो वो अपने पास कोई एड्रेस स्टोर करता है। इंटीजर वाले का पर्पज़ होता है कोई डिजिट अपने पास स्टोर करना, पॉइंटर वाले वेरिएबल का पर्पज़ होता है कोई एड्रेस अपने पास स्टोर करना, कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अपने पास स्टोर करना। सिंपल, एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो एक पॉइंटर भी डिक्लेयर होता है। एक नॉर्मल वेरिएबल को मेमोरी में लोकेशन मिलती है कोई डिजिट या कोई वेरिएबल या कोई स्ट्रिंग सेव करवाने के लिए, तो एक पॉइंटर को भी लोकेशन मिलती है, एक बॉक्स मिलता है मेमोरी में, उसमें वो एड्रेस सेव करवा लेता है। मेरे पास एक वैल्यू वन इंटीजर है, वैल्यू वन, अगर मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करूं वैल्यू वन, तो मुझे पता है मुझे मेमोरी में उसके लिए एक बॉक्स मिलेगा, उसके को अपने मेमोरी एड्रेस है 000। हम अज्यूम कर रहे हैं 000 उसका एक मेमोरी एड्रेस है, हमने नाम उसको आइडेंटिफायर दिया है वैल्यू वन, और मैंने वैल्यू वन वाले वेरिएबल को असाइन कर दिया एक इनपुट 10। तो जो 10 असाइन किया वो उस बॉक्स में आके सेव हो गया। वेरिएबल नेम है वैल्यू वन, उसका मेमोरी एड्रेस है 000 और उसमें वैल्यू आ गई 10। ये दो लाइन लिखने से तो यही काम हुआ, हम इससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह सब डिटेल में देख चुके हैं। अब अगर मैं मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना हो, इसका एड्रेस प्रिंट करवाना हो, मैं लिखूँ सी आउट। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी हो, 10 प्रिंट करवाना हो, तो मैं लिखूँगी सी आउट इस एंड एम परसेंट के साइन को, एड्रेस के साइन को छोड़ के सिर्फ सिंपल लिखूँगी सी आउट वैल्यू वन, तो वैल्यू वन का जो भी डेटा है 10 वो 10 डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैं वैल्यू वन के साथ ये एम परसेंट का साइन, एड्रेस का साइन, हमने पास बाय वैल्यू पढ़ा था और पास बाय रेफरेंस पढ़ा था, रेफरेंस के लिए, उसके मेमोरी एड्रेस के लिए, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमने ये वाला साइन यूज़ किया था जब वैल्यूज़ को पास किया था तब। तो अगर मैं अपने पास भी यही काम करूं, डिस्प्ले करते वक्त एड्रेस का साइन और अपने पास वैल्यू वन लिख दूं उसके बाद, तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, ये वैल्यू वन का जो मेमोरी एड्रेस है उसे डिस्प्ले करेगा। मेमोरी एड्रेस हमने अज्यूम किया था कि 000 है मेरे पास, तो ये प्रिंट करेगा 000 प्रिंट हो जाएगा, फिर एंड लाइन, और अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं सी आउट वैल्यू वन। तो अब जब हम किसी वेरिएबल का नेम लिख देते हैं सी आउट के साथ, तो उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है, और नेम के साथ अगर मैं एड्रेस का साइन लगा दूं तो उसका एड्रेस प्रिंट होता है। इसका मतलब है हर वेरिएबल का अपना कोई मेमोरी एड्रेस है, तभी तो वो अब वैल्यू को अपने पास स्टोर करवा सकता है। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी वेरिएबल है, उसका कोई नाम होता है, हम अज्यूम करते हैं नाम है पॉइंटर, तो उसका नाम पॉइंटर हो गया, उसको भी मेमोरी में एक ब्लॉक मिला है, और उस ब्लॉक का अपना कोई एड्रेस है, इसका एड्रेस है 000, इसका एड्रेस है 001। लेकिन ये ब्लॉक अपने पास कोई डिजिट स्टोर नहीं करेगा, किसी और का एड्रेस स्टोर करेगा। इसका एड्रेस है 000, इसने इसके एड्रेस को स्टोर, वो कैसे करेगा भी हम देखेंगे, पर्पज़ यही है, मेमोरी में उसको भी एक लोकेशन मिलती है, उसका भी कोई नाम होता है, उसका अपना भी कोई मेमोरी एड्रेस होता है, क्योंकि वो भी तो एक वेरिएबल है, लेकिन वो स्टोर सिर्फ क्या करता है किसी और का एड्रेस अपने पास। ये तो सिंपल थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आपको पॉइंटर समझाया है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं, एक इंटीजर है ए, मैंने उसमें सी इन कर लिया, इंटीजर ए है तो उसका मेमोरी में बॉक्स मिला, उसका एड्रेस था 001, उसका नाम है ए, और जब मैंने सी इन किया तो मैं अज्यूम करती हूँ कि यूज़र ने 1 उसमें इनपुट दिया था। ऐसे ही दूसरा एक और वेरिएबल है बी, मेमोरी में उसको भी लोकेशन मिली बी, उसका एड्रेस है 002, और जब सी इन किया तो अज्यूम करते हैं यूज़र ने वैल्यू दे दी 2। अब मैंने एक बनाया, पॉइंटर्स में हमेशा याद रखिएगा जिस चीज़ का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर बनाया है। अगर किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाया है तो पॉइंटर की टाइप भी इंटीजर ही होगी। किसी करेक्टर का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाया है तो CHAR4 जो हम करेक्टर की टाइप लिखते हैं, पॉइंटर की टाइप भी करेक्टर ही होगी। किसी स्ट्रिंग वेरिएबल का एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर करवाना है ना उसमें, किसी स्ट्रिंग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की टाइप भी स्ट्रिंग होगी। यानी जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर की अपनी टाइप भी वही लिखें, डेटा टाइप वही लिखें। अब वेरिएबल है तो उसका कोई नाम भी होगा, नाम कुछ भी एक्सपायर अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है, एस्टेरिक का साइन, जो मल्टीप्लाई का साइन हम कीबोर्ड पर यूज़ करते हैं, एस्टेरिक का साइन जो स्टार सा यूज़ करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के बीच में वो आ जाएगा। एक नॉर्मल वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल नेम है। एक पॉइंटर के अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के बीच में बगैर स्पेस दें या
इसके साथ लिख दें या इसके साथ लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस दोनों के बीच में हो, स्टैटिक का साइन होना चाहिए, बाकी टर्मिनेटर है। डिक्लेयर करने का तरीका नॉर्मल वेरिएबल वाला ही है, बस पॉइंटर का साइन कंपाइलर को ये बताता है कि ये कोई पॉइंटर है। अब जब पॉइंटर बन गया, ये डिक्लेयर करने पे एक मेमोरी में इसको भी एक बॉक्स मिला, बॉक्स का नाम है PTRA, क्योंकि वेरिएबल मैं इसका नाम, दो सेम नाम के वेरिएबल नहीं हो सकते इसलिए इसका नाम ए नहीं हो सकता था, मैंने PTRA लिखा है, पॉइंटर है ए का, PTR_A ए का पॉइंटर है, वो अपनी यादहानी के लिए कि ए के लिए बनाया इसलिए इसका नाम ये दे दिया। आप इसका नाम XYZ कुछ भी रख सकते थे, इसका भी कोई नाम है, इसको मेमोरी में लेट्स सपोज 003 लोकेशन मिली है। अब मुझे इसको असाइन भी तो करना है कोई एड्रेस, मैं एड्रेस के साइन से उठाती हूँ एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पर भी value 1 का प्रिंट करवाना था एड्रेस, तो मैंने सी आउट में एड्रेस ऑफ value 1 लिखा था, तो यहाँ भी लिखूंगी एड्रेस ऑफ ए उठाओ और उसे कॉपी कर दो PTRA के अंदर। PTRA भी तो मेमोरी का एक बॉक्स है, जब मैंने एड्रेस ऑफ ए उठाया और PTRA में कॉपी कर दिया तो एड्रेस ऑफ ए था 001, ये ए की वैल्यू नहीं उठा रहा है, ए का एड्रेस उठा रहा है, 001 है एड्रेस, इसने इसमें इसका अपना एड्रेस है 003 अपना एड्रेस 003 और इसने खुद कोई 001 एड्रेस अपने अंदर स्टोर करवा लिया, क्योंकि हमने उसे प्रोग्राम में लिख के कहा, हमें लिख के बताना होता है कि किसका एड्रेस स्टोर कराओ। अगर मैंने इंटीजर टाइप का बनाया तो अब ये सिर्फ किसी इंटीजर वेरिएबल का ए का या बी का ले सकता है, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ हो तो ये उसका एड्रेस अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, ये किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा और उसकी वैल्यू भी स्टोर नहीं करता, सिर्फ उसका एड्रेस स्टोर करता है। अब चूंकि एड्रेस आ गया तो उस एड्रेस को एक्सेस करके मैं वैल्यू पे इंडायरेक्टली जा सकती हूँ, लेकिन स्टोर के पास सिर्फ एड्रेस ही हो रहा है। तो जब ये वेरिएबल डिक्लेयर करने पे इसको भी मैं बॉक्स मिला, इसका अपना कोई एड्रेस है, हमने इसे असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ए, बी का एड्रेस किसी को नहीं दिया, अभी सिर्फ ए का एड्रेस दिया, बी एज इट इज दिया। मैं कोई वेरिएबल की वैल्यू, ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो मैं सिंपल क्या लिखूंगी, सी आउट ए, सी आउट ए लिखने पे यूजर को डिस्प्ले क्या होगा, ए की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे थे कि यूजर ने दी है 1, ये हमारी अजम्पशन थी, ए की जो वैल्यू है वो है 1। जब मैं लिखूं सी आउट ए तो यूजर को अपनी आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, 1। उसके बाद मैं लिखती हूँ सी आउट PTRA, एक वेरिएबल को की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आप सी आउट स्टेटमेंट में उसका नाम लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है, तो पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, मुझे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, मैं लिख दिया PTRA, इसकी वैल्यू क्या है, कोई और मेमोरी एड्रेस, इसकी वैल्यू जो वैल्यू हमेशा वो होती है जो डब्बे के अंदर स्टोर की हुई हो, हम वैल्यू यूजर से इनपुट नहीं ले रहे क्योंकि यूजर कोई एड्रेस थोड़ी याद कर सकता है, ये तो जो एड्रेस कोई वेरिएबल को हमने असाइन एक वक्त में हो गया था डिक्लेयर होते वक्त वो इसको असाइन कर दिया यहाँ। अब सी आउट PTRA में जो PTR की वैल्यू है वो तो कोई एड्रेस है, 001 प्रिंट हो जाएगा, सही है, ये ऐसे लिखने पे ये 1 प्रिंट नहीं करेगा, ये एड्रेस प्रिंट करेगा जो उसके पास सेव है, क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल का नाम लिखने पर वेरिएबल के अंदर जो सेव था वही डिस्प्ले हो रहा था, अंदर 1 सेव था, ऐसे ही एक पॉइंटर का नाम लिखने पे पॉइंटर के अंदर जो सेव है वो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले में नाम से पहले स्टेरिक लगा दूं, PTRA ये ऊपर वाली और नीचे वाले सी आउट स्टेटमेंट में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि नीचे वाली स्टेटमेंट में स्टेरिक लगा हुआ है, स्टेरिक लगाने का मतलब है कि जो भी आपके पास वैल्यू है, जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके उसकी एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करो, जो भी तुम्हारे पास एड्रेस है 001 है उस पे जाओ, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी उसे एक्सेस करो, यानी कि मैं एक पॉइंटर से वैल्यू को भी एक्सेस कर सकती हूँ एड्रेस की। अगर मुझे सिर्फ एड्रेस प्रिंट करवाना है तो ये तरीका है, अगर मुझे उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ये तरीका है, ये लाइन लिखने पे क्या प्रिंट होगा, 1, जो 001 पे, 001 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट होगी, ये प्रिंट करेगा पॉइंटर की अपनी वैल्यू जो कि कोई एड्रेस है, और ये जो पॉइंटर के पास जो वैल्यू है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करेगा। मैं उसी वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड करती हूँ, मैं कहती हूँ PTRA में अब एड्रेस चला जाए एड्रेस ऑफ बी, तो जो पहले 001 सेव था वो खत्म हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा 002। ऐसा कर सकती हूँ, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो गया, लेकिन जरूरत ऐसी भी हो सकता है, प्रोग्राम में कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मैं ऐसी कर रही हूँ, मैंने ओवरराइड कर दिया, इसमें एड्रेस ऑफ बी आ गया। अब मैं प्रिंट करूँ कि अब स्टैरिक के साथ लिखा हुआ है, आप ये याद रखिए, स्टैरिक के साथ अगर लिखा हुआ है तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट करेगा, अब एड्रेस ऑफ बी पे वैल्यू पड़ी है 2, ये प्रिंट कर देगा 2 को। अगर मैं ये यहाँ पे सी आउट ये लिखती, सी आउट एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए लिखने पे ये प्रिंट क्या करता, 001। सिंपल ए पे लिखने पे क्या प्रिंट कर रहा है, ए की वैल्यू, तो सिंपल पॉइंटर लिखने पे पॉइंटर की वैल्यू जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है वो, स्टैरिक बीच में लगा दूं तो जो एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई यूजलेस है, हम पढ़ रहे हैं, हम तो प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते, आप एम्बेडेड सिस्टम्स बनाते हैं जहाँ पे आपको कुछ हार्डवेयर अटैच करना है या कोई और इस तरह का काम जहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस चाहिए, आप चाहते हैं एक्चुअल मेमोरी एड्रेस के साथ आप कोई उस एड्रेस को एक्सेस करके कोई काम करें, तो फिर आपको पॉइंटर चाहिए, और लाजमी नहीं है कि हर प्रोग्राम में पॉइंटर चाहिए ही हो। पॉइंटर का बेसिक पर्पज़ क्या होता है,
अपने पास कोई एड्रेस स्टोर करना, जिस टाइप के वेरिएबल के लिए का एड्रेस स्टोर करना है उसी वही टाइप पॉइंटर की होनी चाहिए। अगर करेक्टर टाइप का आपने वेरिएबल बनाया हुआ था और उसका एड्रेस आपको स्टोर करवाना है किसी पॉइंटर में, तो आप करेक्टर टाइप का ही पॉइंटर बनाएं। पॉइंटर एक वेरिएबल है, उसको मेमोरी में अपनी को लोकेशन मिलती है। बस स्टैरिक डिक्लेयर करते वक्त जो स्टैरिक का साइन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर PTRA है, जो स्टैरिक का साइन है वो आना लाजमी है। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देख लें कि एक करेक्टर XYZ बनाया, नाम कुछ भी वेरिएबल का हो सकता था, तो मेमोरी में एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाए, XYZ उसकी नाम है, उसका आइडेंटिफायर है, उसका अपना एड्रेस, लेट सपोज कुछ ऐसे उसका एड्रेस है, करेक्टर डिक्लेयर की XYZ नाम से एक डब्बा मिल गया, उस डब्बे का 111 उसका जो है वो है मेमोरी एड्रेस है। मैं कहती हूँ XYZ में जब भी करेक्टर को यूज़ करें तो याद रखते हैं वो सिंगल कोट्स में आता है, करेक्टर्स बगैर कोट्स के नहीं आता, सिंगल कोट में करेक्टर आता है। आपने वैल्यू असाइन किए तो उसे सिंगल कोट में लिखे, अब ये पूरा नाम नहीं ले सकता, ये सिर्फ एक लेटर ले सकता है, करेक्टर टाइप है इसकी, ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है। ए यहाँ की सेव हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की। अब मैंने करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर बना लिया PTR, मैं पॉइंटर का नाम कुछ और भी दे सकती थी क्योंकि पॉइंटर है, तो PTR उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी करेक्टर टाइप का, तो अब ये किसी करेक्टर वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कर सकता है। मैंने करेक्टर टाइप का एक पॉइंटर बनाया, पिछली एग्जांपल में हमने इंटीजर टाइप का बनाया था क्योंकि इंटीजर का एड्रेस स्टोर करवाना था, तो एक पॉइंटर बन गया, उसका नाम है PTR, उसका अपना मेमोरी एड्रेस लेट सपोज ये है। अब मैंने कहा एड्रेस ऑफ XYZ जो भी है वो PTR में आ जाए, एड्रेस ऑफ XYZ ये है, PTR के अंदर ये आ जाएगा। अब मैं कहती हूँ सी आउट करो स्टैरिक के साथ PTR, स्टैरिक के साथ PTR, यानी PTR के पास जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट करो। ये लाइन चलने पे ए प्रिंट होगा, ये लाइन चलने पे क्या प्रिंट होगा, सिंपल लिखा हुआ है सी आउट करो XYZ, ये लाइन चलने पर भी ए ही प्रिंट होगा क्योंकि ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, की वैल्यू ए है, XYZ की वैल्यू ए है। ये लाइन चलने पे कह रहे हैं एड्रेस ऑफ XYZ प्रिंट कराओ, एड्रेस ऑफ XYZ क्या है, 4 times once। अब मैं कह रही हूँ PTR की वैल्यू, PTR के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू नहीं, सिंपल PTR की अपनी वैल्यू क्या है, तो PTR की अपनी वैल्यू भी ये एड्रेस है 4 times once, ये प्रिंट होगा, पहले दो ए और फिर दो बार ये। ये क्या करेक्टर के लिए, अब जैसे करेक्टर या इंटीजर की दो एग्जांपल्स बता दिए तो आप किसी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या पॉइंटर C++ में कैसे यूज़ होते हैं, पॉइंटर भी वेरिएबल ही हैं, उनका अपना कोई मेमोरी एड्रेस होता है, बस वो जो अपनी चीज़ अंदर चीज़ होल्ड करते हैं वो कोई किसी और वेरिएबल का एड्रेस होता है। जिस टाइप का बनाना है वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना है उसी टाइप का आप पॉइंटर बना लें, पॉइंटर को एक्सेस करके वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ही है कि जैसे मुझे आपके घर का एड्रेस पता हो तो मैं आपके घर के एड्रेस के अंदर जाके कोई घर देख सकती हूँ, तो पॉइंटर क्या है, एक एड्रेस स्टोर कराने का तरीका है, एक वेरिएबल एड्रेस स्टोर कराने के लिए। ये क्या है C++ में पॉइंटर्स, पॉइंटर्स एरेज के लिए भी यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पॉइंटर्स की और डिटेल्स भी पढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए, इंतहाई आसान है, एक बार लेक्चर वीडियो दोबारा देख लें, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।